तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिकोतामध्ये स्वागत करतो. आज आपण एक वेगळा व्हिडिओ बघणार आहे. आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक असणार आहे हाऊ टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. आज का व्हिडिओ का जो टॉपिक आहे वो है हाऊ टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. तो बहुत सारे बच्चे तो यही डाऊट में रहेंगे कि सर या भैया ये प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है, म्हणजे प्रोकास्टिनेशनचा अर्थ काय हेच मुलांना कळत नसेल. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आप जैसे कि आपका प्रिपरेशन फेस चालू है, हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से लगा हुआ है, ठीक है, अपनी तरफ से 100% दे रहा है प्रिपरेशन करने के लिए. अब आप 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो या 4-5 आवर्स जो कुछ भी टाइम पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई करते समय एक फेज तो ऐसा आता है, एक टाइम तो ऐसा आता है, आप चीज़ें डिले करना स्टार्ट कर देते हो. डिले मतलब समझो कोई काम आ जाता है, ठीक है, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप बोलते हो यार ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है. फिर कल उठ के बोलते हो यार ये आज मूड नहीं है पढ़ने का, इसको कल कर देते हैं, ठीक है. ये ऐसे डिले करते करते लास्ट मोमेंट तक वो टॉपिक चले जाता है, फिर आपको लास्ट में लगता है यार काश मैं उसी दिन कर लेता इसको, तो आज ये डिले नहीं हो पाता और आज ये मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक रह जाता. तो मैं जब प्रिपरेशन करता ना, एक गोष्ट तुमच्यासोबत होत असेल की तुम्ही सतत गोष्टी टाळत असता, ठीक आहे. टाळणं म्हणजे कसं, एखादी टॉपिक आला की तुम्ही म्हणता यार नको आज नाही करायचं, हे आपण उद्या करू, परत उद्या उठून म्हणतो की यार हे आज नाही करायचं, हे परत उद्या करू, असं करत करत ते शेवटच्या मुवमेंटपर्यंत जातो. आणि शेवटच्या मुवमेंटला तुम्हाला ओव्हरलोड होऊन तुम्हाला असं वाटतं की मी जर त्याच वेळेस केलं असतं तर खूप बरं झालं असतं. ह्याच गोष्टीला आपण प्रोकास्टिनेशन म्हणणार आहे, ठीक आहे. प्रोकास्टिनेशन इज नथिंग बट ॲक्शन ऑफ डिलेईंग ऑर पोस्टपोनिंग समथिंग. काही गोष्ट पोस्टपोन करणं किंवा डिले करणं, ह्या ॲक्शनलाच आपण प्रोकास्टिनेशन म्हणणार आहे. एक ॲक्शन आहे प्रोकास्टिनेशन जिसमें आप कुछ चीजें डिले करते हो या फिर पोस्टपोन करते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों. तो ये जो प्रोकास्टिनेशन है इसको अवॉइड करने के लिए, इसको दूर करने के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ. ये टिप्स आपके पास होंगे, 7 टिप्स होंगे. 7 टिप्स बहुत यूजफुल रहेंगे. अगर जानना है तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द टिप नंबर 1. टिप नंबर 1 इज लिस्टिंग आउट द थिंग्स. क्या करना है आपको, थिंग्स को लिस्ट आउट करना है. कौन से थिंग्स को लिस्ट आउट करना है, अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो स्टूडेंट को बस स्टडी एक ही काम है, अभी फिलहाल मैक्सिमम काम तो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. तो आपको लिस्ट आउट करना है क्या क्या चीजें पढ़ाई करना है, ठीक है. मैं बहुत सारे वीडियो में बोला है, पर इसका मैं एडवांटेज क्या है मैं आज के वीडियो में आपको बताता हूँ. जब आप समझो लिस्ट आउट करते हो, और लिस्ट आउट करते समय भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम 3 से 4 चीजें लिस्ट आउट करना है. ऐसे नहीं 10 to 15 things आपने लिस्ट आउट कर दिए. अगर 10 to 15 things लिस्ट आउट करते हो तो आप खुद ही देख के बोर हो जाओगे, यार नहीं करना है, छोड़ दो, जाने दो ये. बट आप वही अगर 3 to 4 things करते हो लिस्ट आउट, तो आपको अंदर से भी लगेगा यार 3 से 4 काम है ना, कंप्लीट कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा कंप्लीट करने के बाद. तो 3 से 4 काम ऐसे रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इतना समझ में आया. अब ये लिस्ट आउट करने के बाद एक दिन आप उसको इग्नोर करोगे, पहला दिन प्रोकास्टिनेशन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, एक वीक के बाद आपको लगेगा यार मैंने बहुत सारा वर्क अवॉइड कर लिया पिछले लास्ट वीक में, अब मुझे वो सारा कवर अप करना चाहिए. अब वो कवर अप करने के लिए वो जो लिस्ट है एज अ ट्रेनर आपका एक्ट करेगा, आपका एक ट्रेनर की तरह एक्ट करेगा. फिर वो लिस्ट बार बार आपको बोलेगा कि समझो आपको कुछ नाम है, तो आपको बार बार बोलेगा यार तेरे इतने काम बाकी है, तेरे इतने टॉपिक्स पढ़ने बाकी है, तो अभी टाइम पास नहीं कर सकता है, तो अभी कोई मूवी नहीं देख सकता है क्योंकि तेरे पास इतने सारे टॉपिक्स पढ़े करना है उसको. और आपको तो इस मेथड से आप अपना डिस्ट्रैक्शन, आप अपना प्रोकास्टिनेशन थोड़ा थोड़ा भगा सकते हो, ठीक है. आपके मन में आएगा यार नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करते हैं, अभी चलते. बट वही अगर आपके सामने लिस्ट है तो फिर लिस्ट आपको बोलेगा आपको अभी करना पड़ेगा, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में और काम बढ़ने वाला है. तो फर्स्ट थिंग था आपका, फर्स्ट टिप जो था वो लिस्टिंग आउट दी थिंग्स. सेकेंड टिप क्या बोलते देखते हैं, बाय चेंजिंग दी वर्क प्लेस. अब होता क्या है, आप जैसे समझो आप स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने बैठे हो. अब स्टडी टेबल पे पढ़ाई करने के बैठने के बाद 2 से 3 घंटे जब आप बैठते हो, ब्रेक्स लेते भी हो, ठीक है, बाद में क्या होता है आपका थोड़ा सा स्लीपी मूड जनरेट होता है. समझो बाहर ही कुछ ऐसा वेदर है जिसमें आपको स्लीप आ रहा है, या फिर थोड़ा सा डार्क हो गया है रूम जिसकी वजह से आपको नींद आ रहा है, ठीक है. तो या फिर आपका कोई भाई बहन बेड पे सोया है उसको देख के नींद आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या करना है, आपका प्रोकास्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगा. यार अभी रख देते 2 घंटे सो जाते, उठने के बाद फिर पक्का करेंगे, वो तो होने नहीं वाला है. तो आपको स्लीप अभी अवॉइड करना है. तो क्या करना है, सिंपली चेंज दी प्लेस, उठ जाओ यहाँ से, ऐसे जगह जाके बैठो जहाँ पे ज़्यादा फ्रेश है, थोड़ा सा अपने गैलरी में जाके बैठो, टेरेस में जाके बैठो, ठीक है. ऐसी भी जगह नहीं जाके बैठना है, सोफा पे, किचन में, जहाँ पे आपका यूज नहीं है, जहाँ पे और आपको नींद आएगी यार और टाइम पास होगा, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है. ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे आपका टाइम यूज हो सके, यूटिलाइज हो सके. आप स्टेयरकेस पे भी बैठ के पढ़ सकते हो जहाँ पे ब्राइटनेस आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है. समझ में आया सेकंड टिप, चेंजिंग दी प्लेस, बाय चेंजिंग दी प्लेस.
थर्ड इज वर्क इन स्लॉट्स एंड टेक ब्रेक्स। ये जो मैंने बहुत सारे वीडियोज में बोला है, इसका भी प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। वर्किंग स्लॉट्स, अब बेसिकली आप समझो स्लॉट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो स्लॉट्स प्रिपेयर करते समय जो स्टार्टिंग के जो स्लॉट्स होते हैं, जब दिन का जो स्टार्टिंग के दो तीन स्लॉट्स होते हैं, इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रायोरिटीज दीजिए। क्या देना है आपको? मेजर इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटी देके पहले ही कर लीजिए। अब होगा क्या, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपने अगर दिन के पहले के दो तीन स्लॉट में कर लिया तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। यार मैंने दिन में जो काम करना था उसमें से 80% काम जो हार्ड था वो सुबह ही कर लिया, अब जो रिमेनिंग टाइम है मैं उसमें 20% काम कैसे कैसे करके कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसे हर दिन करोगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा आपके रिजल्ट पे भी, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी, ठीक है। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे दूर चले जाता रहेगा। ब्रेक्स लेना है, ब्रेक्स क्यों लेना है? वही थॉट थोड़ा सा आपका डाइवर्ट होने के लिए। ब्रेक्स में भी ज़्यादा 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7, 5 to 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। ब्रेक्स में भी ऐसी चीज़ें साथ में नहीं लेने जिससे डिस्ट्रैक्शन हो, उसको दूर ही रखो। ब्रेक्स में कुछ और करो, थोड़ा सा टहल के आइए, ठीक है। मम्मी पापा से बात करके आइए, भाई बहन से थोड़ा सा बात करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट टिप क्या कहता है? हैव अ प्रॉपर मील एंड प्रॉपर स्लीप टू। अब ये हैव अ प्रॉपर मील एंड प्रॉपर स्लीप टू का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका मतलब क्या मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, आप पढ़ाई करने बैठे हो, जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको भूख लगती है, भूख लगती है तो आप दिमाग में सोचने स्टार्ट कर देते हो, मम्मी ने क्या बनाया होगा, बाजू वाले नेबर ने खाने में क्या बनाया होगा, आज शाम में क्या बनेगा, अगर पसंद नहीं है तो क्या ऑर्डर करूं मैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी। अगर वही आपका पेट भरा है तो फिर आपका पेट बोलेगा यार अब तो पेट भर गया है, अब तो सोना बहुत ज़रूरी है, पेट भर गया, थोड़ी सी नींद ले लेते उसके बाद फिर उठ के पढ़ाई करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपके साथ में एक बॉटल रखिए, वाटर बॉटल, 1 लीटर का वाटर बॉटल रखिए, बार बार पानी पीना स्टार्ट कर दिया। पानी पीने से होगा क्या, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा ही है, ठीक है, पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा ही है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप पानी पीते हो आपका पेट थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ी सी भूख आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो थॉट्स आते हैं माइंड में वो आना भी धीरे 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 कम हो जाएंगे। अब ये हो गया हैव अ प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड में आपको हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। जंक फूड खाओगे तो जंक फूड के बारे में ही सोचोगे। हेल्दी फूड खाइए, 2 से 3 महीने बाकी, इसमें थोड़ा सा हेल्दी रहना ट्राई करिए। बोर्ड एग्जाम से बहुत बड़ा उसका रोल होता है आपके लाइफ में, तो हेल्दी खाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद मैंने बोला प्रॉपर स्लीप टू। अब नींद भी अच्छी तरीके से लेना चाहिए। अभी आप मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो लेना ही चाहिए। कितना भी पढ़ाई कीजिए, अगर दिन में बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई करते हो, कम भी पढ़ाई करते हो, बट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, क्योंकि स्लीप के वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन या फिर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए पढ़ाई करते समय। पढ़ाई करते समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार अभी रख देता हूँ, अभी सो जाता हूँ थोड़ा ही, नहीं। आपका अंदर का जो वॉइस है वो ये बोलना चाहिए कि मेरी नींद बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो अब सोना जरूरी नहीं है, अब मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, आपका इनर वॉइस ऐसा आना चाहिए। बट आपका इनर वॉइस आता कैसे? नहीं यार आप बहुत थक गए, आप जाके सोते, थोड़ा सा 2 से 3 घंटा सो के उठते करते, फिर वो होता नहीं है, 2 घंटे सोने जाते हो 4 घंटे हो जाते, ठीक है। तो आपको अच्छी स्लीप भी लेनी है, अच्छा खाना भी खाना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप है इग्नोर दैट प्रोक्रेस्टिनेटर वॉइस। अब ये प्रोक्रेस्टिनेटर वॉइस क्या है मैं आपको बोलता हूँ। बेसिकली समझो आपका कोई छोटा सा भाई बहन है, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो तो आपको चिढ़ा रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो आपको पोक कर रहा है, तो आप क्या करते हो, सिंपली उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, जाने देना, छोटा है छोड़ देते। ये आप जो इग्नोर करते हो या फिर कुछ नेगेटिव लोग जो आपको बार बार पोक करते बाहर से, तो आप कैसे करते हो, उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। आप कैसे करते हो, उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, सिंपली आपका अंदर का प्रोक्रेस्टिनेटर वॉइस भी हर बार ट्रिगर करेगा, हर बार बोलेगा अभी बहुत हो गया यार, अभी क्या करते 2-3 घंटे मोबाइल पे बिताते, अभी क्या करते 2-3 घंटे बाहर घूम के आते, बाहर का खाना खा के आते, 2-3 घंटे सोते, ये नहीं करना यार, थोड़ा सा ऐसे ही रिलैक्स बैठ जाते। ये जो प्रोक्रेस्टिनेटर वॉइस है ना, इसको आपको इग्नोर करना है। आपको क्या बोलना है, हाँ ठीक है ना, बाद में देखते, अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, हाँ बाद में देखेंगे। धीरे 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 इसे क्या करना है, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। और इग्नोर करने के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, आपको जो डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको ही दूर रख दो।
मतलब जो टीवी हो गया, जो मोबाइल हो गया, जो लैपटॉप हो गया, इसे दूर रख दो। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो इग्नोर कैसा, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो प्रोकास्टिनेटर वॉइस भी अंदर से आना बंद हो जाएगा। अगर आपके साइड में मोबाइल ही नहीं है तो वॉइस भी बोलेगा नहीं ना कि मोबाइल उठा, इंस्टाग्राम खोल, यूट्यूब खोल। अगर लैपटॉप नहीं है तो प्रोकास्टिनेटर वॉइस बोलेगा नहीं ना नेटफ्लिक्स खोल, प्राइम वीडियो खोल, ठीक है। अगर सब कुछ दूर है तो वो भी क्या कर सकता है, आपको इग्नोर करना भी सिंपली आना चाहिए। नेक्स्ट टिप देखते क्या कहते हैं, जस्ट स्टार्ट दी वर्क। अब यहाँ पे वर्क मतलब आपका पढ़ाई है, ठीक है। जस्ट स्टार्ट दी वर्क मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन तभी होता है जब आप स्टार्टिंग में ही वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और उसको टोटली डिले कर देते हो या फिर पोस्टपोन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा है, आपने प्लान किया है कि कल 10 बजे मुझे ये सब्जेक्ट करना है, बस 10 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी होते आपका अंदर का प्रोकास्टिनेटर वॉइस आना स्टार्ट हो जाता है, यार अभी नहीं ना, यार अभी बहुत टायर्ड हो गया, यार अभी कुछ अलग प्लान करते ना, यार दोस्तों के साथ घूमने जाते, बहुत पढ़ाई किया यार, बहुत कल रात को देर तक बैठा मैं, नहीं करना यार अभी, इट्स ओवर, आपका कैपेसिटी नहीं है, ऐसे वो अंदर का वॉइस बोलेगा। बट आपको क्या करना है, जैसे तैसे करके 10 बजे उस काम को स्टार्ट कर देना है। एक बार आप उस काम को स्टार्ट कर देते हो ना, थोड़े देर बाद वो वॉइस मरना स्टार्ट हो जाता है, वो वॉइस अंदर से आना ही बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि उसको पता चल गया इसने मेरी बात सुनी नहीं है, ये काम करना स्टार्ट हो गया तो अब मैं मेरी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा, मैं चुपचाप अंदर ही बैठा रहूंगा। तो इस वे में जैसे ही आप काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हो, कोई भी काम हो आपका, ठीक है, तो वो प्रोकास्टिनेटर जो वॉइस है वो अंदर ही अंदर दबा रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, काम स्टार्ट करना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का सब हो जाएगा, बस स्टार्टिंग जो है ना वही इंपॉर्टेंट है। आगे का टिप देखते हैं जो कि लास्ट होगा, बी स्ट्रेस फ्री। या बी स्ट्रेस फ्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन इज स्ट्रेस रिलीफ टास्क। प्रोकास्टिनेशन क्या है, एक स्ट्रेस रिलीफ टास्क है। आपको स्ट्रेस जब आता है ना तो वो रिलीफ करने के लिए प्रोकास्टिनेशन सबसे पहले आगे आता है। वो बोलते तेरे को स्ट्रेस आया, आपको स्ट्रेस आया, मैं आता हूँ आपका स्ट्रेस दूर करता हूँ। अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। ये गाना लगाइए, वो वीडियो लगाइए, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे उतना प्रोकास्टिनेशन आपका ज़्यादा होगा, और जितना कम आप स्ट्रेस्ड होगे उतना कम प्रोकास्टिनेशन होगा। अब आप तो स्टूडेंट हो, आपको स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, आप थोड़ी ना कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप थोड़ी ना कोई बिजनेसमैन हो जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपको फ्री माइंडेड रहना है, कम स्ट्रेस रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। किसी की भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने लेना है, पढ़ाई भी कम होता है तो ठीक है, इट्स ओके, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ लेंगे, पढ़ाई भी मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस लेना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस ले लेते हो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए प्रोकास्टिनेशन सबसे सामने आ जाएगा, इसलिए आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, ओके। तो ये थे मेरे 7 टिप्स टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, आई होप आपको अच्छे लगे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये टिप्स भी अच्छे लगे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।